लॉर्ड्स की बालकनी और टी शर्ट लहराते सौरव गांगुली, कोई भी भारतीय क्रिकेट फैन उस वक्त को, उस लम्हे को नहीं भुला सकता। मनिंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनिंदर जी, वो लम्हा और अब जो है 16 साल के बाद ऐसा लगता है कि विराट कोहली के पास ही वो मौका होगा और मान के चल रहे हैं कि उनके पास जश्न मनाने का मौका होगा और जश्न मनाते दिखेंगे भी। विराट कोहली अगर सौरव गांगुली से तुलना करें और उस लम्हे का आज के दौर से तुलना करें, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये टीम बहुत बढ़िया है क्योंकि इंग्लैंड की टीम, वनडे टीम इस समय जो है मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट टीम्स मैंने देखी है, और उसको इतनी आसानी से हरा देना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। इंग्लैंड के बैट्समैन के पास किसी तरह का जवाब कोई भारतीय बॉलर्स के लिए दिख नहीं रहा है, खासतौर से स्पिनर्स का। और अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं दोनों टीमों की, तो मैं अमूमन तुलना में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस इंडियन टीम का कॉन्फिडेंस इतना हाई है, इनको मैदान के ऊपर जब मैं खेलते हुए देखता हूँ, ये एक दूसरे के परफॉर्मेंस को इतना एंजॉय कर रहे होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उतने बड़े स्टार्स नहीं हैं लेकिन बहुत बढ़िया यूनिट है। बिल्कुल, लेकिन अग्रेशन का जो दौर देखने को मिला था, शुरुआत जिसकी हुई थी, कहा जाता है कि सौरव गांगुली को श्रेय जाता है, और यहाँ पर रोहित शर्मा जिस तरह से धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, या फिर विराट कोहली फिटनेस को लेकर यहाँ पर क्रमंद नजर आते हैं और फ्रंट से लीड करते हैं, न सिर्फ फिटनेस में, बल्लेबाजी में और तमाम चीज़ों में भी। क्या सौरव गांगुली के समय से एक नई शुरुआत हुई थी? बिल्कुल, सौरव गांगुली ने ये विश्वास दिलाया था इंडियन टीम को, इंडियन खिलाड़ियों को, कि हम फॉरेन सॉइल पर भी जाकर मैचेस जीत सकते हैं, क्योंकि वो लड़ाके किस्म के खिलाड़ी थे। उनका उनका उस तरह का कुछ नेचर था कि बैठे बैठे नहीं लेंगे, हम हारेंगे नहीं इस तरह से, हारेंगे भी तो लड़ के हारेंगे। सो ये एक चीज़ उन्होंने डाली थी इंडियन टीम में, जो कि फिर उसके बाद मुझे लगता है थोड़ी नीचे जाने लगी। लेकिन विराट कोहली का जिस तरह का एटीट्यूड है, एग्रेशन है उनमें, और अब उन्होंने उस एग्रेशन को कंट्रोल भी किया हुआ है, वो टीम के अंदर आ चुका है। क्योंकि जैसे आपने फिटनेस का भी जिक्र किया था, विराट कोहली फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, वो केवल अपनी ही फिटनेस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वो चाहते हैं कि इंडियन टीम में जो भी खिलाड़ी हो उसकी फिटनेस लेवल इतनी हाई हो कि परफॉर्मेंसेस में कंसिस्टेंसी आ सके। क्योंकि हमने देखा है अभी यो-यो टेस्ट, कुछ खिलाड़ी सिलेक्ट होने के बाद फेल हुए, उनको बाहर होना पड़ा। एक टाइम युवराज और सुरेश रैना बाहर हुए थे, इस दौरे से अंबति रायडू बाहर हुए हैं। सो ये एक पैमाना बना दिया गया, हालांकि मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा है ये पैमाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कई खिलाड़ी क्रिकेट में इतना टैलेंट होता है लेकिन फिटनेस लेवल थोड़ी सी हल्की होती है, लेकिन क्रिकेट जब खेलते हैं तो वो आपको रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन हाँ, नतीजे तो अच्छे मिल रहे हैं यहाँ पर, और सिर्फ खिलाड़ी अगर बड़ा हो, नाम का, कद का भी, लेकिन ये बात जान लगी यो-यो टेस्ट जैसे टेस्ट अगर वो पास नहीं करता है तो प्लेइंग 11 में आपको जगह नहीं मिलेगी। देखिए, ये एक बढ़िया पैमाना बना दिया है। सो अब खिलाड़ियों को पता है कि हमको इतनी फिटनेस तो रखनी ही है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप मेंटली भी फिट रहते हैं, और मेंटल फिटनेस, मेंटली स्ट्रांग रहना इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है, और शायद यही विराट कोहली चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखा होगा कि जैसे जैसे उनकी फिटनेस लेवल बढ़ती चली गई, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती चली गई, और जब वो अब इंडियन टीम के कैप्टन हैं तो वो चाहते हैं कि हर खिलाड़ी की फिटनेस लेवल इतनी हाई हो कि उनकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है, मेंटली भी वो वहां पर हो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए, वो दबाव लेने के लिए। सो प्रोबेबली इसलिए पैमाना ही बना दिया गया है कि इतना तो आपको पॉइंट्स लेना ही पड़ेगा यो-यो टेस्ट में, अगर इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है। बिल्कुल, यानी कुछ पैमाने तय कर दिए गए हैं। मनिंदर जी, जिस तरह से सौरव गांगुली, उसके बाद फिर महेंद्र सिंह धोनी और अब विराट कोहली, ऐसा लगता है कि टीम इंडिया जो है अपने शिखर की ओर पहुंचती हुई दिखाई पड़ रही है। और 40 ओवर में अमूमन कहा जाए कि 268 आप टारगेट चेज कर लेते हो, तो ये तो आउटस्टैंडिंग निश्चित तौर पर करार दिया जाना चाहिए। नहीं, देखें, ये पिच बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया पिच थी, इसके ऊपर तो इंग्लैंड 268 रन जब उन्होंने बनाए होंगे और ड्रेसिंग रूम में गए होंगे, उनको पता था ये मैच हम हार चुके हैं। क्योंकि इंडिया का बैटिंग लाइनअप देख लीजिए, रोहित शर्मा जिन्होंने T20 के आखिरी मैच में शतक लगाया, उनको पता है कि ये एक बार चले तो फिर रुकेंगे नहीं। शिखर धवन भी बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, अपनी विकेट थ्रो करके आ गए। इंग्लैंड की टीम को पता है कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं और कितने बड़े बड़े रन वो बना सकते हैं। फिर विराट कोहली, फिर KL राहुल, जो कि बहुत बढ़िया लय में है, बहुत बढ़िया फॉर्म में है, पहले T20 मैच में सेंचुरी लगाई थी। उसके बाद सुरेश रैना, जो कि छोटे फॉर्मेट की क्रिकेट में बढ़िया प्लेयर माने जाते हैं। फिर महेंद्र सिंह धोनी का फॉर्म बहुत बढ़िया है। सो इंग्लैंड की टीम ये समझ चुकी होगी कि ये रन्स तो 40 नहीं तो 42 ओवर में चेज हो जाएंगे, लेकिन ये जो 40 ओवर में चेज हुआ है, इसका इफेक्ट इंग्लैंड की टीम के ऊपर ये पड़ेगा कि अब वो सोच रहे होंगे कि कितने रन्स बनाए जाए, जो जहां 500 रन बनाने की तरफ फिर सोच रहे होंगे, लेकिन वो बना पाएंगे जिस तरह से लपेट लिए गए कुलदीप यादव के? नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह से इंडियन स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं, कुलदीप यादव की भी बात करें, युजवेंद्र चहल की भी बात करें, एक दूसरे को इतने बेहतरीन तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और अगर दोनों को आप मिला के देखें, 20 ओवर में 76 रन दिए और 7 विकेट्स ले लिए, सो इनको इनको झेल पा
पाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होने वाला है। क्यों? क्योंकि अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है इंग्लैंड में, ग्रीन टॉप्स तो मिलने वाले नहीं है और वनडे क्रिकेट में मुझे नहीं लगता ग्रीन टॉप्स वो दे भी सकते हैं। सो अगर बैटिंग ट्रैक्स होंगे तो इनके ऊपर ये जो रिस्ट स्पिनर्स होते हैं ये बॉल को टर्न करा सकते हैं और ये मुसीबत का सबब बने रहेंगे इंग्लैंड के लिए। और वही भारतीय बल्लेबाज जो है यहाँ पर रनों का पहाड़ खड़ा करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। जो काम इंग्लैंड नहीं कर पाई, पासों की हम बात कर रहे हैं, शायद भारतीय बल्लेबाज उस तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़े। अगले दो मैच यहाँ पर बाकी हैं, क्या इतिहास बनते हुए दिखाई पड़ेगा, सबके सामने यही सवाल कौंध रहा है। और विराट की सेना इंग्लैंड में दहाड़ रही है, टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा की बदौलत, क्योंकि इंग्लैंड को हिलाकर उन्होंने रख दिया है। आखिरी टी20 मैच में शतक जड़कर टीम इंडिया को टी20 सीरीज जीतने वाले रोहित ने अब वनडे में भी इंग्लैंड को बेहाल कर दिया है और इंग्लैंड की टीम कुलदीप के साथ साथ रोहित से भी बचने का उपाय ढूंढने लगी है। तो ये साफ हो गया है कि रोहित लय में हो तो उन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन होता है। मनिंदर जी, इस वक्त एक तस्वीर उभर रही है, लॉर्ड्स में मुकाबला है, रोहित शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, वो डबल सेंचुरी लगाते रहे हैं, आदत सी हो गई है उन्हें रनों की बरसात करने की। अब वो 300 रन बना लें, भारत पहले बैटिंग करे, 300 रन बना लें, 500 रन पूरी टीम बनाए और यहाँ पर रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बनते हुए नजर आए। देखिए, जो 500 रन की आप बात कर रहे हैं वो तभी हो सकता है अगर कोई ना कोई इस तरह की इनिंग्स खेल दे, या तो 13 शतक लगा दे या कोई दो बड़े कोई खेले, तो उसमें रोहित शर्मा सबसे आगे नजर आते हैं उम्मीद है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इनको एक चीज मुझे लगता है समझ नहीं आती कि इनके अंदर कितना टैलेंट है। ये टी20 क्रिकेट में शुरू में जाके आड़े शॉट्स लगा के कई बार आउट हो जाते हैं और उस समय ऐसा लगता है कि शायद इनको कोई बता भी नहीं पा रहा है कि कितने टैलेंटेड है, क्योंकि अगर पहली 20-25 बॉल में 10 रन भी बनाएंगे ये उसको कवर कर देते हैं और बेहतरीन तरीके से कवर करते हैं। क्योंकि अगर इनके रिकॉर्ड्स देखें, शायद जितना मुझे याद आता है 3 दोहरे शतक है इनके वनडे इंटरनेशनल में, 264 इनका हाईएस्ट स्कोर है। सो ये एक ऐसे क्रिकेटर हैं एक्चुअली जो कुछ भी कर सकते हैं जब इनका बैट चलना शुरू होता है। और एक समय था करुण जब डेस्मंड हेंस के 17 सेंचुरी थी वनडे क्रिकेट में और बातें होती थी कि इस रिकॉर्ड को कौन तोड़ेगा, लेकिन 50 के पास भी पहुंच गई, 50 से ऊपर भी हो गई वो सेंचुरी सचिन तेंदुलकर ने मेरे ख्याल से लगाई हैं। सो रिकॉर्ड्स तो बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैदान छोटे होते चले जा रहे हैं, क्राउड्स को एंटरटेन करने के लिए रूल्स ऐसे बनते चले जा रहे हैं जिसमें कि बैट्समैन को ज्यादा फायदा मिलता है, तो रिकॉर्ड्स तो बन सकते हैं। इस तरह जो है बैट्समैन को ज्यादा फायदा मिल रहा है, 264 जैसा कि आप बताए, 36 रन तो एक ओवर में मार दे अगर अपनी लय में हो रोहित शर्मा। बिल्कुल, देखें इतने शॉट्स हैं इनके पास, इतने शॉट्स हैं कि एक बार चलना शुरू होते तो फिर बॉलर के पास जवाब नहीं होता, चाहे वो कितना तेज क्यों ना हो और पिच भी जैसी ही क्यों ना हो। और यहाँ तो पिचेस वैसी हेल्पफुल मिलने वाली है, क्यों? क्योंकि जैसे हम बार बार बात करते चले आए हैं, काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड में इस समय समर्स चल रही है और ये सबसे गर्म मौसम वहाँ पर गर्म मौसम रहा है इंग्लैंड में, जिसकी वजह से आपको पिचेस कुछ इसी तरह की मिलने वाली हैं जैसे इंडिया में होती हैं। दूसरी, सपोर्ट इंडिया के क्राउड की, क्योंकि जहाँ भी मैचेस हो रहे हैं, मैं अभी इंग्लैंड में था हाल ही में और जो भी कोई मुझे मिलता था, क्योंकि मैं लेस्टर में था, वहाँ पर बहुत सारे इंडियंस थे, जो भी मुझे मिलता था कहते थे हमने टिकट्स खरीदे हुए हैं, लॉर्ड्स के टिकट खरीदे हुए हैं, नॉटिंगम लेस्टर के पास से हमने नॉटिंगम के टिकट्स खरीदे हुए हैं। और हमने देखा क्राउड में भी कि आपको अंग्रेज़ जो सपोर्टर्स हैं वो कम दिख रहे हैं और इंडियन सपोर्टर्स ज़्यादा दिख रहे हैं। सो पिचेस भी मददगार, मौसम भी मददगार और फिर क्राउड का भी सपोर्ट इंडिया। बिल्कुल, लंदन में तो इतने ज़्यादा भी भारतीय हैं जो स्ट्रीट्स को है इंडियन स्ट्रीट भी कहा जाता है और पकवान भी जो है ज़बरदस्त, तो जायका जो है निश्चित तौर पर यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है मनिंदर जी। और जिस तरह से यहाँ पर आगाज़ शुरुआत हुई है सीरीज़ की 3-0 जिसकी बात कर रहे हैं, नंबर वन भी बन जाएगी टीम इंडिया, अब ये चीज़ें आसान और होती हुई दिख रही हैं। देखिए, मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर 3-0 से इंडिया जीत जाए, क्योंकि जिस तरह से स्पिनर्स को खेल रहे थे इंग्लिश बैट्समैन, मुझे लगता है उनका कोई जवाब उनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बौखलाए हुए थे। कुलदीप यादव को खासतौर से जब खेल रहे थे उनको समझ नहीं आ रही थी इनको किया क्या जाए, क्योंकि एक तो लेफ्ट आर्म बॉलर, फिर इस ब्रीड के बॉलर इस दुनिया में इतने वर्ल्ड क्रिकेट में इतने नहीं हैं। सो ऐसे में ऐसे बॉलर को देखा नहीं हुआ। हाँ, बॉलिंग मशीन के सामने ज़रूर उन्होंने प्रैक्टिस की है इस तरह की बॉल्स की, लेकिन मैदान के ऊपर जब प्रेशर आता है तो उसको खेलना इतना आसान नहीं होता है, वो हम देख चुके हैं। सो ऐसे में मुझे लगता है कि इंग्लैंड टीम के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कुलदीप यादव का नाम सामने आया है तो आपको बता दें, इंग्लैंड में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हुए हैं स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव, क्योंकि इंग्लैंड की टीम कुलदीप की फिरकी में कुछ इस तरह से फंस गई है कि मॉर्गन की सेना को ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो इस फिरकी की फांस से निकले कैसे। मशीन में वो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन जब सामने कुलदीप आते हैं तो ये ठंडे पड़ जाते हैं, पैर जो है वो कांपने लगते हैं, ऐसा लगता है। कुलदीप ने तो इंग्लैंड की टीम को चेतावनी भी दे डाली है कि इंग्लिश टीम चाहे कुछ भी कर ले वो कुलदीप के कहर से बच नहीं पाएगी।
तो इंडिया की धूम है और कुलदीप यादव की गेंदों को समझना जो है मुश्किल जान पड़ रहा है। मनिंदर जी, ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ेंगे उनकी गेंदों को पढ़ना और समझना जो है इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए आसान हो सकता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि मामला उल्टा पड़ रहा है उनके लिए। कुलदीप यादव मैं बहुत इंप्रेस हो गया हूँ उनसे, क्योंकि पहले T20 में जब उन्होंने 5 विकेट लिए थे उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें की थी। एक यंगस्टर को से इस तरह की बातें सुनना, इससे एक बात पता चल रही थी कितने मैच्योर हो चुके हैं, कितने मैच्योर्ड हैं, और जैसे जैसे परफॉर्मेंसेज होती चली जा रही है इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। और जो एक्यूरेसी है, क्योंकि रिस्क फिनेस का जनरली कहते हैं कि एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि रिस्क के पीछे से बॉल आती है, लेकिन इनकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, बहुत एक्यूरेट बॉलर है। और ऐसे में इंग्लिश जो बैट्समैन है उनको समझ नहीं आ रही कि उनकी लेग स्पिन कौन सी है, गूगली कौन सी है और फ्लिपर कौन सी है। सो ये परेशानियां पैदा करते रहेंगे इंग्लिश बैट्समैन के लिए, क्योंकि अगर वो इनको अटैक करने जाएंगे तो निश्चित रूप से इन्हें ही विकेट्स मिलेंगी, 10 में से 9 बार 10 में से 9 बार ही नहीं विकेट मिलेगी। और ऐसा लग भी रहा है क्योंकि जो है पहले वो कामयाबी नहीं मिल पा रही थी भारतीय टीम को, लेकिन कुलदीप जैसे ही आए वैसी तस्वीर बिल्कुल बदल गई। ऐसा लग रहा था कि 350 तक तो इंग्लैंड के बल्लेबाज जो है वो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन 268 अपने आप में उसी वक्त ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम साइकोलॉजिकली भी यानी मानसिक तौर पर भी मुकाबला जीत गई थी। बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे भी लग रहा था 350 या उससे ज़्यादा का स्कोर हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ दिमाग में थी कि इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं शायद स्पिनर्स को ना खेल पाएँ, शायद उनको ना झेल पाएँ, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना ख़राब खेलेंगे और इतना आसानी से उनको विकेट्स दे देंगे। लेकिन जो बौखलाहट थी इंग्लिश बैट्समैन की वो समझ आ रही थी, वो दिख रहा था कोई रिवर्स स्वीप करने की कोशिश कर रहा है। फिर आखिरी ओवर था, बेन स्टोक्स जो कि इतना टाइम लेकर उन्होंने 50 के स्ट्राइक रेट से अपना अर्धशतक पूरा किया था, आखिरी ओवर है एक बॉलर का, थोड़ी इंटेलिजेंस से खेलते उनको विकेट ना देते तो शायद आखिरी ओवर्स में उनको फास्ट बॉलर्स मिलते जो कि बॉल बैट के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से आती, तेजी से रन्स बना सकते थे। लेकिन अगर कोई बॉलर इतने पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हो, इतने पॉजिटिव मोड में हो, तो फिर वो इस तरह की गलतियाँ बैट्समैन से करा ही लेता। लॉर्ड्स में मुकाबला नॉटिंघम के बाद, अब इस मुकाबले को किस तरह से देखते हैं मनिंदर जी? अगर भारत पहले बैटिंग करता है तो कितने स्कोर हो जाएंगे, क्योंकि सभी बल्लेबाज ऐसा लगता है कि पॉजिटिव कंपटीशन उनके बीच कि कौन ज़्यादा रन मारेगा, और उसके बाद गेंदबाज जो है वो विकेट लेने पर तुले हुए हैं। तो अगर इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो कितने पे रोक सकते हैं, और आप पहले बल्लेबाजी यानी भारतीय टीम करती है तो कितना स्कोर जा सकता है? देखें, इंडियन टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो इंटेलिजेंटली बैटिंग करनी होगी, क्योंकि ये सुबह का मैच है, बॉल थोड़ी सा सीम अराउंड जरूर करेगा, लॉर्ड्स में बॉल स्विंग करती ही है। सो रोहित शर्मा और शिखर धवन को शुरू से आराम से थोड़ा सा खेलना होगा, और एक बार जब ये बॉल पुरानी हो जाएगी फिर स्ट्रोक्स लगा सकते हैं आसानी से। 300 तक का टारगेट लेके चलें तो 325 तक भी पहुंचा सकते हैं स्कोर को, और वो मुझे लगता है जो बॉलिंग लाइनअप है इंडिया का वो विनिंग टोटल हो जाएगा।